वो मिसाइला नाग है जो अपने गुरु सिर्फ और सिर्फ इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। दिल्ली इनसे ये पूछो इनका आधार कहाँ का है, इनसे ये पूछो इनका आधार कहाँ का है, मेरा दिल्ली का आपका आधार कार्ड कहाँ है, ना आधार कार्ड दिखा जो मेरा आधार कार्ड लखनऊ का उत्तर प्रदेश का है, देख लिया देख लिया मेरे क्या कहा था, ताली बजाओ। मौलवी हूँ और मुझे 35,000 रुपए महीना मिलता है तो मैं क्या, जो मेरे पास आते हैं जो क्या मेरी सुनेंगे नहीं, वो तो सुनेंगे आम आदमी को बोल दो भाई, आप आदमी केजरीवाल को बोल दो तो मेरी सुनेंगे ना वो। अब मैं पुजारी हूँ, मैं वो पुजारी को एक पैसा नहीं मिलता, पुजारी हाथ जोड़ के निवेदन करेगा भाई अपने हिंदू धर्म को लेके आना, अपने उसको लेके आना, कौन वोट डालेगा उसमें। उसने कहा मुझे पर ईवीएम से 1500-1500 टिकट्स उसमें निकालने हैं, यानी एक जो है बूथ पे 4 ईवीएम लगते हैं जी, 4 में 15×60 6,000। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में, मैं हूं सार्थक शर्मा। दिल्ली में जो हुआ उसके बाद तो फ्री की लाइन लगनी शुरू हो गई, अब मध्य प्रदेश ने भी कह दिया कि हम भी फ्री देंगे और फ्री मोहल्ला क्लिनिक की तरह ये संजीवनी क्लिनिक भी बनाएंगे। वहीं आपने महाराष्ट्र में भी देख लिया होगा, महाराष्ट्र में भी फ्री बटना शुरू, पहले आओ पहले पाओ वाली राजनीति अभी स्टार्ट हो गई है। अब जनता उस पर क्या सोचती है दिल्ली की, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है आंटी जी, उधर फ्री हो गया, यहाँ पर जीत गई, अब दूसरी जगह भी फ्री, ऐसे ही राजनीति होगी क्या? अब देखिए ये फ्री का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ठीक है, जो फ्री का लॉलीपॉप चाट गया वो समझिए गया, और यही चीज यहाँ हुई है। फ्री किसी को नहीं चाहिए था, ना ही कोई चाहता था फ्री, लेकिन इसने एक फ्री का लॉलीपॉप दिखाया। इलेक्शन जब 4.5 साल तो इसने जो भी मौज मस्ती मारी, जब इसने देखा अब मेरे पास जो है कुल 5-6 महीने रह जाते हैं इलेक्शन के लिए, तो लाओ हम क्या करें, फ्री का टॉफियां और लॉलीपॉप बांटना शुरू कर दो, लोग खाएंगे फ्री फ्री फ्री, आखिरी समय में फ्री के गुण गाएंगे। महिलाओं के लिए बस फ्री, अरे क्या जरूरत है महिलाओं के लिए बस फ्री कर रहे हो भाई, आज तक जो महिलाएं घर से नहीं निकली थी, आज वो महिलाएं अपने घर का काम छोड़ करके कि मुझे नहीं कुछ करना है, ज़्यादा है बाजार से खाना ले आना, ठीक है, और जो है मैं जा रही घूमने के लिए, क्योंकि जब तक का फ्री है 3 महीने, कुल 3 महीने दिया। इसको गलत में डूबो दो, देश की सुरक्षा को ग्रेड उसमें गलत में डुबो दो, तो कोई पैसा और धन आएगा नहीं जो पब्लिक से, तो कैसे कैसे काम चलेगा। दिल्ली ने जिताया तो इतनी सारी 62 सीट ऐसी थोड़ी ना आ गई। देखो कहते ना एक कहावत है, अगर पहलवान चुस्त तो गधा पहलवान, ये कहावत है, चाहे इसको उल्टा ले लेना आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनको जो स्टैम्प जो वोट मिली है ना, देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे उनकी समिति से, उसमें एक समुदाय के लोगों ने ज़्यादातर वोट डाली है, और जो दूसरे फ्री वाले देशभक्त थे उन्होंने उनको वोट डाली है, और वो वोट इतने लंबे टाइम तक निकले लगे हैं कि वहाँ पर गेट भी बंद करना पड़ा और हिंदू वोट के लिए निकल नहीं पाए। हमारे यहाँ का विधायक मोहन सिंह बिष्ट जीता है, हजारों वोटों से जीता है, वो किस कैसे जीता, वो एक को जीता दिया और सब हार गए, एक को जिता दिया, 5 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, 5 कम होती है, वोट संख्या ज़्यादा बढ़ी है। आप एक चीज़ बताइए, जहाँ पर फ्री फ्री के लोग ज़्यादा थे उन्होंने ही तो कोशिश करी है, या एक समुदाय के, आप एक चीज़ बताओ, मैं मौलवी हूँ और मुझे 35,000 रुपये महीना मिलता है तो मैं क्या, जो मेरे पास आते हैं जो क्या मेरी सुनेंगे नहीं, वो तो सुनेंगे आम आदमी को वोट दो भाई, आप आदमी केजरीवाल को वोट दो तो मेरी सुनेंगे ना वो। अब मैं पुजारी हूँ, मैं वो पुजारी को एक पैसा नहीं मिलता, पुजारी हाथ जोड़ के निवेदन करेगा भाई अपने हिंदू धर्म को लेके आना, अपने उसको लेके आना, कौन वोट डालेगा उसमें। सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए क्या केवल गरीब के बच्चे हैं? क्या केवल गरीब ही सरकारी स्कूल में जाएगा? अगर गरीब के ही बच्चे अभावों वाले स्कूल में जाएंगे तो सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? दूसरी बात, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दो बार चढ़ती है, लेकिन कौन सी IITN है ये जो सिखा दी है कि तीसरी बार भी इसने काट की हांडी चढ़ा के देखा? जनता ने ही तो चढ़ाई है, जनता ने नहीं चढ़ाई, जनता को बिल्कुल बदनाम मत करिए। जनता ने 40% वोट इन्हें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे होती है ना, करीना कपूर और शिल्पा शेट्टी जीरो फिगर मेंटेन करती हैं, लेकिन अपने इन्होंने जीरो फिगर मेंटेन करने के लिए उसकी गोद में जाके आम आदमी की बैठ गए, इसका भी बहुत बड़ा खामियाजा तो जनता ने बिठा दिया, अब तो कुछ नहीं होने का, अब तो जनता ने बिठा दिया, जनता बिठाया तो जनता लिटा भी देगी, अगली बार हमेशा के लिए लिटा देगी। मैंने इससे पहले भी बोला था, मेरी आंखों के सामने की बात थी जब मैं अपना वहाँ से लेने के ही मतदाता पहचान पत्र कार्यालय से कि हम यहाँ के इलेक्ट्रॉल हैं, ठीक है, हमें लेटर लेना होता था तो हम लेटर लेने के लिए गए, उस टाइम पे जो है वहाँ पर एक बंदा बैठ करके EVM मशीन से ऐसे ऐसे करके निकाला, मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा ये हम चेक कर रहे हैं,
चेक एक बार होता, दो बार होता, हद से हद आप तीसरी बार कर दीजिए हैं। और ये थोड़ी है कि उसके बाद दूसरा बंदा आया, दूसरा बंदा उसका नोन टू था कोई, और वो जो है आम आदमी का बंदा था। उसने बोला, उसने कहा मुझे पर ईवीएम से 1500-1500 टिकट्स उसमें निकालने हैं, यानी एक जो है बूथ पे चार ईवीएम लगते हैं जी, चार में 15 × 4 = 60, 6000 एक पे हो गए। अब आप सोचिए कि कितने ईवीएम लगे होंगे, कौन कौन कितने बूथ होंगे जिन पे जो है चार चार ईवीएम लगे होंगे, और उनमें से आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए। तो ये बेईमानी नहीं हुई। दूसरी बात, आम आदमी की जो क्लिनिक बनी है, इनके मोहल्ला क्लिनिक जिसको कहते हैं, वहाँ पर उनका कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी वो नहीं, क्योंकि मेरे सामने की बात है, मैं भी शुरू में गई मनीष सिसोदिया के चक्कर में, और क्योंकि केजरीवाल से निकले हुए हम जेल गए हुए थे, इसलिए मुझे पता था सब, वही झाड़ू पे मोहर लगाना, झाड़ू पे मोहर लगाना वाले ही बंदे वहाँ पे बैठे हैं। कोई डॉक्टर बन के बैठा है तो कोई बन कर के वो बैठा है। अरे आपको ब्लड शुगर अगर लेना है तो आप ब्लड शुगर की यहाँ से प्रिकिंग करिए, आप वहाँ मशीन से क्यों कर रहे हो कि आपने यहाँ से सीधा पिन किया और उस पर ले करके, अरे वो तो कोई नहीं भी है बीमारी उसके भी बना दी, हाँ उसकी भी बना दी, और सीधा बोलेंगे आप भाई आपको बहुत ज्यादा वो है, मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, दूसरे अस्पताल भेज रहा हूँ। मैंने कहा तो आप लिख दो रेफरल, लिख दो मेरे को, और कौन से अस्पताल में भेज रहा हूँ। अब अस्पताल का अगर डॉक्टर होता, अस्पताल का नाम मालूम हो, वो लिखे, अगले बंदे को हेडगवार की स्पेलिंग नहीं आती है। मेरे पास वो पड़ा हुआ पर्चा, आज भी मैंने बड़े संभाल करके उस पर्चे को रख रखा है। ये बात अलग होगी, केजरीवाल जी की कॉपी अगर कोई अन्य राज्य कर रहा है तो वो अलग बात है। देखो हमें यहाँ पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, पार्टी अपनी सरकार बनानी है, तो ग्राउंड लेवल मतलब जमीन से लेकर और व्यापार रोजगार इनको सबको लेकर देखकर काम करना होगा। हाँ जी, और पहली बात, आपने मतलब अच्छा चुनाव लड़ा दिल्ली के अंदर, बीजेपी ने चुनाव अच्छा लड़ा, 21 विधानसभाओं में ये देखा गया है, 21 विधानसभाओं में ये देखा गया कि मतलब टक्कर की लड़ाई रही है, बीजेपी जीतते जीतते हार गई है। रही बात, अब मुक्तखोरी की बात आते हैं, मुक्तखोरी कुछ नहीं है। इसमें क्या था कि दिल्ली के अंदर उन्होंने बिजली और विद्यालय स्कूल का और अस्पतालों के साथ जो किया है, उसमें थोड़ी जनता को ये लगा कि हम स्कूल गए तो हमें हमारे बच्चे कह रहे स्कूल अच्छे हो गए, वो अस्पताल में गए इलाज कराने तो अस्पताल में ठीक ठाक बर्ताव हुआ, तो लोगों का ये मानना रहा कि ये चीज़ ठीक है और ये मुख्यमंत्री ठीक है। अब रही बात मुक्तपुरी भी, क्या है कि सत्ता चाहिए, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को लेकर और सब कुछ हासिल करने के बाद, राजनीति में क्या है कि अपना व्यक्ति अगर उन्हें जान से भी मारना पड़े ना तो वो मार देते हैं। दिल्ली के यहाँ कितने लोग हैं जो दिल्ली की जनता है और दिल्ली का रहने वाला है, रियल दिल्ली का रहने वाला है, उससे पूछो कि मुफ्तखोरी है ये, क्या है ये। जितना काम दिल्ली में केजरीवाल ने किया किसी का बाप नहीं कर सकता। अगर क्या नाम है, केजरीवाल की तरह हिंदुस्तान में सारे सीएम हो तो दिल्ली का उद्धार, हिंदुस्तान का उद्धार हो जाए। और जो कह रहे हैं ना यहाँ पर कि क्या नाम है, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने शायद अगर कोई और काम करता केजरीवाल की तरह तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ होता। और दूसरी बात यह है कि क्या नाम है, अभी ये कल का केस देखा आपने, कौन सा गार्गिया कॉलेज, बड़े शर्म की और अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए। और हमारे नौजवान कहाँ, न्यू जनरेशन कहाँ गुजर रही है और किस हालत से गुजर रही है, इन्हें तो अपने रोजगार से काम करना चाहिए, रोजगार पे। वो देखो डिबेट पे लगे हुए हैं, दिल्ली का है सही मायने में जो दिल्ली का रहने वाला है उससे पूछो, दिल्ली की जनता से उससे पूछो, और जो बाहर के आए हुए हैं ना वो क्या बताएंगे दिल्ली के बारे में, उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ बात ही बात करेंगे कि दिल्ली में केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कुछ नहीं है, ये किया वो किया। मेरे भाई सिर्फ दिल्ली वाला ही समझ सकता है कि केजरीवाल ने क्या काम किया केजरीवाल दिल्ली में। वो मिसाइला नाग है जो अपने गुरु का, सिर्फ इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता दिल्ली, इनसे ये पूछो इनका आधार कहाँ का है, इनसे ये पूछो इनका आधार कहाँ का है, दिल्ली का। आपका आधार कार्ड कहाँ है, ना आधार कार्ड दिखा, मेरा आधार कार्ड लखनऊ का उत्तर प्रदेश का है, देख लिया मैंने क्या कहा था, हाथ ताली बजाओ, देख लिया दिल्ली का आदमी बताएगा। आपने तो कार्ड पकड़ ली, ये रहा लो जी, ये पक्का दिल्ली का हूँ, बाहर का नहीं हूँ, बाहर का नहीं हूँ, और ये रहा, और ये रहा, बाहर है क्या, सुनो ये रहा, ये रहा आधार, दिल्ली का आधार जी, इन्होंने दिखा दिया, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना है, और केजरीवाल ने जो काम किया शायद अगर कोई काम करता
पूरे हिंदुस्तान में उद्धार हो जाएगा। केजरीवाल जिंदाबाद, ये तो कह रहे केजरीवाल सब खत्म कर देगा। केजरीवाल कुछ नहीं खत्म करेगा, सभी को पता है। और सिर्फ ये तो रोजाना आते हैं, रोजाना आते हैं, इन्हें तो सिर्फ बहस करने से मतलब है। हाजी का वोट ये रहा, दिल्ली का वोट ये रहा। पूछो दिल्ली का वोट कहाँ है, दिल्ली का वोट है यहाँ, दिल्ली के वोट वाले है कोई? अरे लो भाई साहब, दिल्ली में काम हुआ है नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ ही नहीं कुछ भी। ये तो कह रहे हैं बहुत काम हुआ है। कुछ नहीं हुआ भाई साहब, आपको दिल्ली में क्या चाहिए? आपको दिल्ली में क्या चाहिए? सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी चाहिए आपकी? सिक्योरिटी चाहिए, किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? जी तो रहे, अभी तक निर्भया कांड पे क्यों फांसी रुकवा रखी है? निर्भया कांड केजरीवाल के, केजरीवाल के, केजरीवाल के लॉयर ने जाके, केजरीवाल दिल्ली में केजरीवाल ने ये बकवास बोलते हैं। दूसरी बात, अच्छा सबसे बड़ा सवाल ये है, 3 महीने बाद ही पहले क्यों फ्री किया गया? आप बताओ काम क्या किया है? काम क्या किया है? हॉस्पिटल जितने अच्छे हुए, जो रोजाना हॉस्पिटल में जाता है उससे पूछो, जो रोजाना हॉस्पिटल जाता है उससे पूछो, और जो काम करता है, जो एजुकेशन में जाता है, जो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन में वहाँ जाके देखो, स्कूलों में और सिर्फ बातों में, और ये सिर्फ दाम का बात करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। बहस आती है इन लोगों को, रोजाना आके यहाँ बहस कर सकते हैं और कुछ नहीं। अबे नौजवान लड़के हैं, इन्हें अपना कारोबार देखना चाहिए, अपना अपना बिजनेस देखना चाहिए। तो क्या लगता है 31 मार्च खत्म? 31 मार्च अभी तो खत्म हुआ नहीं है, 31 मार्च जब खत्म होगा तब दिखेगा कि आम आदमी ने काम किया नहीं किया। और ये जितना फ्री वाला है, आम आदमी ने काम किया है ये है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं किया, 4 महीने 5 महीने किया। 31 मार्च के बाद ये सारा जितना फ्री वाला है ये सारा खत्म, उसके बाद लोगों को अफसोस होगा कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। अच्छा, और अफसोस समझ में आएगा क्यों नहीं दिया वो? तो अब समझ में आएगा कि फ्री के चुगले में फंस के। सर ऐसे ही हो गया क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुआ ही क्या है कुछ बताओ। 31 मार्च के बाद सब खत्म, 4.5 साल वो रोता रहा कि राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा। 6 महीने में उसने सब 2-4 चीजें फ्री कर दी और लोगों को लगा काम हो गया। आप जाके सरकारी अस्पतालों के हाल देखो, जाके स्कूलों के हाल देखो, कहीं कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं इतने अच्छे स्कूल हैं, इतनी अच्छी सड़कें हैं, और क्या चाहिए दिल्ली को? सड़कें उसने कौन सी बना दी? जनता तो पागल है यहाँ की। अच्छा, वो जो भी उसको वोट मिला है वो सारा झुग्गियों से मिला है, छोटे तबके से मिला है, उसको कोई बड़े सही आदमी का कोई किसी का वोट नहीं मिला है। उसका वो गया स्कूल में, किसके बच्चे पढ़ता है? मिडिल क्लास बच्चा जो अपने रोजी रोटी कमाता है, ऑफिस वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अगर उस बच्चे को हाई क्लास एजुकेशन मिल रही है, चाहे फ्री वाइब्स में मिल रही है, कहीं से ही मिल रही है, तो उसने क्या गुना कर दिया? क्या गरीब बच्चों के, मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है क्या? स्कूल है मालिक को पढ़ने के नहीं। आप फ्री की बात कर रहे हो, जितने भी एमपी हैं उनके प्रिविलेजेस मिलते हैं, 5,000 उनके मोबाइल फोन मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है, उनको नहीं डिस्कार्ड करते वो चीजें। 3,550 का रिचार्ज करो, 3 महीने लो, क्यों फ्री की वाइब्स ले रहे हैं एमपी वगैरह? एजुकेशन इतनी अच्छी है भाई साहब। नहीं, एजुकेशन इतनी अच्छी थी तो शिक्षा मंत्री का बेटा क्यों नहीं जा रहा? सरकार तो मंत्री का बच्चा क्यों नहीं है कि ये अच्छा है कि अमित शाह का बच्चा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन रहा है, वो 8वीं क्लास बच्चा बीसीसीआई सेकंड, उसके एजुकेशन से क्या लेना है? सिसोदिया जी भी, उनका भी बच्चा नहीं जाता, वो कहते हैं जहाँ पढ़ रहा है अच्छी जगह। अरविंद केजरीवाल के बच्चे IIT से क्रैक करके निकाल रहे हैं, किसी की फ्री वाइस नहीं। शिक्षा मंत्री का तो नहीं है। मेरी बात सुन भाई, सुन भाई, हेलो भाई साहब, 10 CGP यहाँ दिल्ली के अंदर ना शिक्षा मंत्री जीता 3,000 वोट से और अमनतुल्ला खान जीता 70,000 वोट से, तो किसके ऊपर चुनाव हुआ है सबको पता है भाई साहब। ऐसे हिंदी में शाहीनबाग, ये भी पता सबको, शाहीनबाग सेंटर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सेंटर का क्यों नहीं उठाती? सेंटर सेंटर क्यों नहीं उठा रही? पहले बताओ, ये बताओ, जब मासूम बच्चे, मासूम बच्चे और महिलाएं आगे बैठा रखी हो वो थोड़े उठाएगा? अगर वर्क हो रहा है तो आप वोट दो। वर्क हुआ बताओ, वर्क बताओ। अच्छा दिल्ली में कोई काम तो बता दो। दिल्ली में एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी बच्चों की नहीं है, अगर वो चीज मिल रही है। एक बताता हूँ, स्कूल नहीं खुला, एक मैं बताता हूँ क्या काम हुआ दिल्ली में। दिल्ली में मैं काम बताता हूँ, दिल्ली में काम ये हुआ, बसें आनी थी 5,000, ठीक है, वो भी DTC की बसें आई 25, वो भी क्लस्टर। अभी एक खबर कैसी लगी? बहस बहुत तकड़ी हो गई, आराम से बात चली थी पर तकड़ी बहस हो गई। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।